मिशन फ्री लीगल एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबके बीच आदरणीय सचिन द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। साथ ही आदरणीय सचिन द्विवेदी सर से आग्रह है कि क्लास का संचालन प्रारंभ करें। आदरणीय सचिन सर। धन्यवाद सर। हम लोग आज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के बारे में बात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि कुछ बड़ी चीज आज पढ़ेंगे जो पूरे देश को प्रभावित करती है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक हमारी पहुंच हो जाती है इस अधिनियम के माध्यम से, कि हम विदेशों में जाकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब समस्या क्या थी कि हमारे यहाँ जब भारत आजाद हुआ तो बाद में एक संघीय स्तर पर, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुसंधान एजेंसी गठित हुई, सीबीआई। सीबीआई चूंकि किसी अधिनियम के माध्यम से गठित नहीं हुई, सीबीआई का संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था, उसी गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के माध्यम से सीबीआई अस्तित्व में आई। सीबीआई जब आई थी तो सीबीआई का उद्देश्य क्या था कि करप्शन के मामले देखेंगे या कहीं कोई गंभीर अपराध हो गया है कि जो पुलिस से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ज्यादा वहां पर सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए, तो सीबीआई भाग लेती थी। अब जब हम 1989-90 में आते हैं तो हमारे सामने एक नई समस्या आती है देश के सामने, आतंकवाद की। अभी तक आतंकवाद नहीं था देश में, छोटे फोटे झगड़े होते थे, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, बाहुबली होते थे, तो उन सबसे हम निपट लेते थे, हमारे पास सिस्टम था। जब 1989-90 में हमको आतंकवाद का सामना करना पड़ा, तो आतंकवाद क्या होता है कि उनकी फंडिंग कहीं हो रही है, एग्जीक्यूशन कहीं हो रहा है और पॉलिसी कहीं हो रही है, तो अब जरूरत पड़ी कि इंटर स्टेट एजेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो इंटर स्टेट काम कर सके। सीबीआई के साथ समस्या क्या थी कि सीबीआई किसी राज्य है तो संघीय एजेंसी है, यूनियन की एजेंसी, पर वो किसी राज्य में जाकर तब काम कर पाती है जब राज्य सरकार वहां से अनुमति दे देती है, बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई काम नहीं कर पाती। तो ये एक बड़ी समस्या आती थी कि आतंकवाद का मामला हो गया, अब केंद्र सरकार उसमें काम करना चाहती है, हमारे राष्ट्र की खतरा की समस्या हो गई, राष्ट्र पर खतरा आ गया है और राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। हर राज्यों की पॉलिटिक्स का एक नेचर होता है और जो यूनियन होती है उसकी पॉलिटिक्स का अलग नेचर होता है, तो एक विवाद आता था तो राज्य सरकारें यहां पर अवरोध लगा देती थी, तो काम नहीं हो पाता था आतंकवाद के बारे में। फिर एक ऐसा विचार धीरे धीरे आता रहा हमारे देश के सामने, विधायिका के सामने, कि नहीं, एक ये जो समस्या आ रही है कि हम बिना स्टेट की अनुमति के इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें इमीडिएट एक्शन लेना है, तो स्टेट एक महीने तक अनुमति नहीं दे रही है, तो ये सब समस्याएं आती रही विचार में विधायिका के और सरकारों के रहा। इसी बीच 2008 में मुंबई में हमला हुआ, आप सब जानते होंगे अजमल आबिल के साथ जिसमें पकड़ा गया, तो जब मुंबई में हमला हुआ तो उसके बाद ये विचार बड़ी तेजी से आ गया। यूपीए की गवर्नमेंट थी, अब बड़ी जरूरत पड़ गई कि नहीं, ये छोटे छोटे हितों के लिए हम, कि क्षेत्रीय हित है हमारा, हमारा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, तो ये छोटे छोटे हितों के लिए हम देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। तो फिर 2008 में ये अधिनियम अस्तित्व में आया, 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 अस्तित्व में आया, विधायिका ने इसको पारित किया। तो समस्या आप समझ गए हैं कि पहले तो एक एजेंसी थी नहीं, सीबीआई थी, तो सीबीआई में बहुत सारे अवरोध हैं कि वो विधिक संस्था नहीं है, कोई स्टेट्यूटरी पावर नहीं उसको, एक कार्यपालिका के आदेश से उसका गठन हो गया और काम कर रही है। सीबीआई को बहुत सारे हर्डल है, सीबीआई के पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो आतंकवाद को ट्रैक कर सके, सीबीआई के पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है, उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से देश में कहीं भी जाए और काम करे, तो ये सब समस्याएं थी। तो इन समस्याओं का निदान करने के लिए 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 लाया गया। तो इस अधिनियम में चूंकि मूल जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान करना था, तो सारे प्रावधान इसमें रखे गए कि अन्वेषण जो एनआईए है, एनआईए को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, यदि एनआईए एक्ट का वो मामला आ रहा है तो फिर राज्य सरकार से पूछे बिना सीधे ये एजेंसी काम करेगी। दूसरा कि ये एजेंसी विदेशों में जाकर भी काम करेगी और इस एजेंसी की जो अधिकारिता है वो सिर्फ भारत में नहीं रहेगी, कोई विदेश में बैठा व्यक्ति भी यदि अपराध कर रहा है तो उसको भी पकड़ लाएगी, तो बड़ा व्यापक स्कोप इसको दे दिया गया है। फिर इसके बाद समस्या आती थी कि इसका ट्रायल कहाँ चलेगा, तो ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई, प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की व्यवस्था की गई, जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है उसको शॉर्ट किया गया, तो बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए 2008 के अधिनियम द्वारा।
तो इस अधिनियम को कब इनेक्ट किया गया, तो 31 दिसंबर 2008 में। पहला प्रश्न आपका यही आता है कि कब बना, तो 2008 अधिनियम का नाम क्या है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं और आपकी 26 धाराएं हैं। एक अनुसूची है, उस अनुसूची का बड़ा महत्व है, उसी से हमें पता चलता है कि कौन से मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी एनआई, और उस अनुसूची से ही सारा कुछ चलेगा। तो अनुसूची बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। इसमें आपका एक संशोधन भी किया गया 2/8/2019 को, और उस संशोधन के द्वारा इस एजेंसी को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। तो ये थोड़ा से आपके प्री एग्जाम के हिसाब से प्रश्न आते हैं कि इस एक्ट का नाम क्या है, एक्ट इनेक्ट कब हुआ, 31 दिसंबर 2008 को, कितने अध्याय हैं, तो इसमें आपके 5 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। उस अनुसूची में अपराधों को बताया गया है कि किन अधिनियम के किन अपराधों में ये एजेंसी काम करेगी। संशोधन किया गया है 2/8/2019 को, वो संशोधन आपके प्रभाव में आ गया है, और एनआईए को उसके द्वारा और ज्यादा मजबूत बना दिया गया। तो अब एक्ट की ओर आ जाते हैं। ये पृष्ठभूमि थी कि क्यों हम एनआईए की जरूरत पड़ी। एनआईए का जो 2008 में गठन हुआ था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आतंकवाद को रोकना, आतंकवाद के संबंधित जो अपराध हैं उनके बारे में काम करना। बाद में हम देखेंगे कि अनुसूची में और ज्यादा अधिनियमों को डाल दिया गया, आईपीसी के अपराध भी इसमें शामिल हो गए, आपके विस्फोटक अधिनियम भी है, आपके नोटों के साथ या करेंसी नोटों के साथ आप कोई अपराध करें वो भी इसमें शामिल है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बाद में हमें ये पता चला कि सिर्फ गोली चलाना ही आतंकवाद नहीं है, जो फंडिंग हो रही है, जो फाइनेंस आ रहा है आतंकवादियों को, वो भी आतंकवाद का भाग है। जो इंटरनेट के माध्यम से अपराध किए जा रहे हैं, आप कहें कि साइबर ट्रैफिकिंग के अपराध, साइबर टेररिज्म एक धारा मिलेगी आपको जब आईटी एक्ट पढ़ेंगे, तो साइबर टेररिज्म जो किया जा रहा है वो भी आतंकवाद का भाग है। तो उन सब अधिनियमों के, उन धाराओं के अपराधों को भी बाद में कवर किया गया। तो आइए पहले उद्देशिका पर आ जाते हैं। तो उद्देशिका जैसा आपसे चर्चा हुई, तो उससे बहुत कुछ उद्देशिका के तत्व निकल कर आ जाते हैं कि क्या करना है हमको इस एक्ट के माध्यम से। ये एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया था, हमारा उद्देश्य था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक नेशनल लेवल पर, राज्य स्तर पर तो है पुलिस है, सीआईडी है, राज्य स्तर पर है, नेशनल लेवल पर हमें एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन करना। उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दो काम होंगे कि अपराधों को इन्वेस्टिगेट करना और अपराधों को प्रोसिक्यूट करना, अभियोजन चलाना। तो दो उद्देश्य हमारे, कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास एक ऐसी एजेंसी हो जो अपराधों को इन्वेस्टिगेट कर सके, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे राष्ट्र में कर सके। पुलिस का क्षेत्र एक सीमित होता है, पुलिस अपने राज्य के अंदर काम करती है, पर हमें क्या चाहिए था, पूरे राष्ट्र के लिए एक एजेंसी हो, पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी हो। जो राज्य के प्रोसिक्यूटर होते हैं वो सिर्फ राज्य के मामलों को देखते हैं, तो हमें पूरे देश के लिए एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी चाहिए। तो एनआईए के दो उद्देश्य हैं, नेशनल लेवल पर एक इन्वेस्टिगेशन और एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी चाहिए। क्यों चाहिए भाई, क्या जरूरत थी, क्या समस्या थी आपको? तो वो समस्या ये है कि हमें उन अपराधों के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए और प्रोसिक्यूशन एजेंसी चाहिए जिन अपराधों से देश की सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी प्रभावित होती है। कोई भी ऐसा अपराध है जिस अपराध से हमारे देश की संप्रभुता प्रभावित होती है, हमारे देश की सुरक्षा प्रभावित होती है, अखंडता प्रभावित होती है, तो उस अपराध को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी चाहिए। दूसरा कि हम चूंकि जब एक राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर काम करें, तो हमारे बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, आपकी जो कह सकते हैं कि हम यूनाइटेड नेशन के अधीनस्थ बहुत सारे संकल्प पारित होते हैं, कन्वेंशन पारित होते हैं, उन कन्वेंशन के हिसाब से हमें अधिनियम बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो दूसरा उद्देश्य इसका यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों, हमने दूसरे देशों के साथ जो संधियां की हैं, उनसे जो करार किए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन है या संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण है, उनके साथ हमने कोई काम किया है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें, यदि मान लीजिए कि हमने किसी देश से ट्रीटी कर ली कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, इन अपराधों की रोकथाम करेंगे, तो अब हमें अपने देश में कानून बनाना पड़ेगा, तो उन जो कानूनों को बनाया गया है उनका भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करने के लिए हम राज्यों के भरोसे नहीं रह सकते, हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी चाहिए। तो पहला उद्देश्य इसका कि ऐसे अपराध जो भारत की
संप्रभुता, सुरक्षता, सुरक्षा या अखंडता को प्रभावित करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्रों से संबंधों को प्रभावित करने वाला कोई अपराध है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन ये एजेंसी करेगी। जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, आपके एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है, रिजोल्यूशन है, उनके पालन को प्रभावित करने वाले, उनके पालन में बनाए गए अधिनियमों को, अधिनियमों के तहत किए गए अपराधों के अन्वेषण और प्रोसिक्यूशन के लिए भी एजेंसी काम करेगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी इन इन उद्देश्यों के लिए, इन इन कामों के लिए। फिर आ जाते हैं अध्याय एक में। अध्याय एक जैसा कि बाकी अधिनियमों में भी आपको मिलता है कि तीन चीजें बताता है कि शॉर्ट टाइटल क्या है इस अधिनियम का, इसका एक्सटेंट कहां तक है, कहां तक ये विस्तार है, और इसका एप्लीकेशन। तो नाम जैसा आपसे पहले भी चर्चा हुई कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। दूसरी बात करते हैं कि ये कहां कहां लागू है। तो ये एनआईए एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू है, पहली चीज संपूर्ण भारत पर लागू है, जैसा बाकी अधिनियमों में भी आपको मिलता है। इसकी विशेषता आप देखिएगा आगे, और ये इसकी विशेषता है, ये इसको स्पेशल बनाता है। ये कहता है भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर, संपूर्ण भारत में तो लागू है, इसमें कोई विवाद नहीं है। यदि भारत का कोई नागरिक है और वो भारत के बाहर है, ऑस्ट्रेलिया में है, और वहां कोई ऐसा अपराध करता है जो शेड्यूल में बताया गया है, तो उस पर भी एनआईए एक्ट लागू होगा। दूसरा, सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति है, चाहे वो जहां भी हो, सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति एम्बेसडर है, वो दूसरे राष्ट्र में नियुक्त है, सरकार का कोई सेक्रेटरी है, वो विजिट में गया हुआ है, फॉरेन अमेरिका गया हुआ है, तो सरकार की सेवा का कोई भी व्यक्ति चाहे वो जहां भी हो। दूसरा, इसका विस्तार देखिएगा बढ़ता जा रहा। तीसरा देखिएगा, भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पोत है या विमान है, उस पर जो भी व्यक्ति चढ़ा हुआ है, उस पर भी एनआईए एक्ट लागू होगा। यदि विमान भारत में रजिस्ट्रीकृत है, उड़ कहीं रहा है, इससे मतलब नहीं है, यदि उसका रजिस्ट्रेशन भारत में है, तो उस पर भी एनआईए एक्ट लागू होगा। और आपका 2019 में संशोधन करके अब देखिएगा इसका एक्सटेंट कितना ज्यादा हो गया, कि अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, भारत का नागरिक है, भारत के बाहर काम कर रहा है, भारत की सरकार का कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक है या नहीं है यहां पर जरूरी नहीं है, भारत की सरकार की सेवा में है, और चाहे जहां भी हो, हमने किसी फॉरेनर को रिक्रूट किया है भारत की सरकार ने, और सरकार की सेवा में है, और चाहे फॉरेनर हो, तो उस पर भी एनआईए एक्ट लागू होगा। तीसरा कहता है भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान है, चाहे वो जहां भी हो, उस पर यदि कोई अपराध होता है, उस पर जो व्यक्ति है, उसके ऊपर भी एनआईए एक्ट लागू होगा। चौथा देखिएगा, किसी व्यक्ति की बात कर रहा, और ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के बाहर, टू पर्सन हु कमिट ए शेड्यूल ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसने भारत के बाहर भी, जो हम अनुसूची एक पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे, उसमें बताए गए अपराध करता, भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति कर रहा, पर उस अपराध का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, मतलब अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन, भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा है, जैसे न्यूजीलैंड में भी आपका हाल फिलहाल एक मामला हुआ था ना, न्यूजीलैंड में बम अटैक हुआ था, तो वहां भारत के बाहर अपराध हुआ, दूसरे व्यक्ति ने किया, पर उससे क्या हो रहा है, जो हमारे भारतीय नागरिक थे उन पर प्रभाव पड़ रहा। तो भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, कौन सा अपराध, जो इस शेड्यूल में बताए गए हैं, और उससे क्या होता है, भारत का नागरिक प्रभावित होता है, तब भी ये एक्ट लागू हो जाएगा। और दूसरी चीज, भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति यदि अधिसूचित अपराध करता है और उससे यदि भारत के हित प्रभावित होते हैं, तब भी ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो देखिए इसका एक्सटेंड देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, कि विदेश में अपराध हो रहा है, ना तो भारत का नागरिक है, विदेशी ही अपराध कर रहा है, पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है उस अपराध का, और वो अपराध क्या है, जो हमने शेड्यूल में बताए गए, यदि शेड्यूल में विहित अपराध विदेशी व्यक्ति विदेश में करता है और उससे भारत के नागरिक पर प्रभाव पड़ता है, भारत के नागरिक के विरुद्ध करता है या भारत के हितों पर प्रभाव पड़ता है, तब भी एनआईए एक्ट प्रवर्तन में आ जाएगा, एनआईए एक्ट की परिधि में वो काम आ जाएगा। इसीलिए अब एनआईए, हम देखें कि अभी न्यूजीलैंड में हमला हुआ था तो वहां हमारी एनआईए की टीम गई थी, इसी के कारण जाती है कि काम विदेश में हुआ है, विदेशी व्यक्ति ने किया है, पर उससे भारत का नागरिक प्रभावित हो रहा है या भारत का इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, तो भी एनआईए एक्ट के राडार में वो काम आ जाता है। फिर आ जाएं परिभाषाएं,
जैसा आप बाकी अधिनियमों में देखते हैं तो परिभाषा खंड धारा दो में रहता है, तो यहां भी परिभाषा खंड धारा दो में बताया गया है कितनी परिभाषाएं हैं आपकी, ए से लेकर आई तक, ए से लेकर आई तक परिभाषाएं हैं। अमूमन जो हम परिभाषा खंड देखेंगे तो यहां पर आपको कोई परिभाषा मिलती नहीं है, सिर्फ एड्रेस बताया जाता है कि आप इसको समझना चाहते हैं उस धारा में चले जाएं, आप इसको समझना चाहते हैं तो इस एक्ट में चले जाएं। परिभाषा खंड में सिर्फ यही बताया गया है, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना जरूरी है। तो पहले हमने पढ़ा एजेंसी एनआईए, एक्ट क्या कराएगा, एक एजेंसी बनाएगा नेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टिगेट करेगी चीजों को और प्रोसिक्यूट करेगी। तो वो एजेंसी मतलब क्या है, पहली परिभाषा एजेंसी की है। तो जैसा बताया गया आपको कि एजेंसी की परिभाषा कहता है, आप धारा तीन चले जाइए, वहां जो लिखा हुआ है वही एजेंसी है। तो एजेंसी की परिभाषा पूछे तो आपको 2A लगाना है, और एजेंसी का डिटेल पूछे तो जो धारा तीन में बताए गए डिटेल है वो। दूसरा उच्च न्यायालय, हमने देखा अभी हमें कई बार उच्च न्यायालय से बात करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये एजेंसी तो नेशनल लेवल पर काम कर रही है, तो नेशनल लेवल पर तो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये उच्च न्यायालय क्यों आ गया। तो चूंकि ये एजेंसी नेशनल लेवल पर काम करेगी, पर काम तो भारत की क्षेत्राधिकारिता में करेगी, मान लीजिए मद्रास में काम कर रही है तो फिर कहां का उच्च न्यायालय, मद्रास का उच्च न्यायालय, यदि जबलपुर में काम कर रही है तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो इस एजेंसी को जहां जिस क्षेत्र पर काम कर रही है, जिस क्षेत्र पर इसको जरूरत है वहां के उच्च न्यायालय, यही लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है। हम देखेंगे कि मामले एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी और विशेष न्यायालय के यहां पेश करेगी। तो विशेष न्यायालय कौन होते हैं, कहीं ना कहीं सतना में होगा, जबलपुर में होगा, भोपाल में होगा। तो जब विशेष न्यायालय के संबंध में हमें उच्च न्यायालय की जरूरत पड़ेगी तो हम मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से बात कर लेंगे। लखनऊ में यदि विशेष न्यायालय है तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट से बात कर लेंगे। तो ये उच्च न्यायालय मतलब जिस विशेष न्यायालय के संबंध में बात हो रही है उस विशेष न्यायालय को गवर्न करने वाला उच्च न्यायालय। विहित नियमों द्वारा विहित, नियम बनाए जाएंगे तो नियमों में जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा वही विहित की परिभाषा में आता है। लोक अभियोजक की परिभाषा परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखें, 2E में बताई गई है कि लोक अभियोजक क्या होता है। लोक अभियोजक से धारा 15 के अधीन हम देखेंगे लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक बनाए जाएंगे धारा 15 में देखेंगे। तो कहा गया कि जो धारा 15 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपके एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्रूट किए जाएंगे, लोक अभियोजक मतलब वही है। संहिता शब्द आएगा बाद, बीच बीच आएगा, इसमें देखेंगे कि संहिता के हिसाब से काम होगा। तो संहिता मतलब सीआरपीसी, अभी जो हम जो जिस अधिनियम के बारे में पहले चर्चा कर रहे थे। शेड्यूल मतलब एक इस अधिनियम की धारा 26 के ठीक नीचे देखेंगे आप तो एक शेड्यूल बना हुआ, तो शेड्यूल मतलब वो शेड्यूल। अनुसूचित अपराध शेड्यूल ऑफेंस, तो जो ये शेड्यूल आपने देखा ना, अनुसूची देखी, तो इस अनुसूची में अपराधों की एक लिस्ट है, देखिएगा अपराधों की एक लिस्ट है, 8 श्रेणी के अपराध हैं। तो जो इस सूची में बताए गए अपराध हैं, इन अधिनियम बताए गए हैं और कुछ धाराएं बता दी गई हैं, तो इन अधिनियमों के अपराध और इन धाराओं के अपराध यही कहलाते हैं आपके शेड्यूल ऑफेंस। इसको थोड़ा सा देख लें क्योंकि यही आपकी क्षेत्राधिकारिता को तय करेंगे, या ना ये इन्वेस्टिगेट करे या ना करे, इस शेड्यूल से ही तय होगा। तो शेड्यूल में भी 2019 में संशोधन करके बहुत सारी नई चीजों को जोड़ दिया गया है। जैसा आपसे पहले हमने चर्चा की कि जो एनआईए एक्ट जब 2008 में बना था तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम टेरर को रोकेंगे, आतंकवाद से संबंधित जो अपराध होंगे उनका हम निदान करेंगे, तो उसी के लिए इसमें शेड्यूल में शामिल थे। बाद में चीजें डेवलप हुई, आईटी डेवलप हुई, आपके टेरर फंडिंग के डेवलप हुए कि लोग फंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, उनको हमको टारगेट करना है। दूसरी चीज आप देखें कि जो एटॉमिक एनर्जी है, हमारे देश की एटॉमिक एनर्जी है, उसके संबंध में यदि कोई अपराध हो जाता है तो हमें उसके भी, अभी आप देखें पठानकोट हमला हुआ था, तो दूसरी चीज फिर देखें कि अभी आपका जो अजमल आमिल कसाब ने 2008 में अटैक किया था वो कैसे किया था, वो उसने समुद्र का सहारा लिया था, तो उस अधिनियम के अपराध भी आ गए। आप कहें कि एनडीए के टाइम में देखें कि एक विमान हाईजैक हुआ था तो वो अपराध भी शामिल हो गए। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, आप लोग ने इसके बारे में पढ़ा है, तो उस अधिनियम के अपराध हो गए। हमारा सार्क देशों के साथ एक समझौता हुआ है और एक अधिनियम बनाया गया है 1993 में, तो उस अधिनियम के अपराध हो गए। फिर आपके सामूहिक नरसंहार के आयुध, तोप ओप यदि कोई रखता है
और उसके डिलीवरी के जो सिस्टम है उनसे संबंधित अधिनियम बनाया गया 2005 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से लेकर 130 तक की धाराएं हैं। मानव दुर्व्यापार 370, 370 ए है, जो आपके नोटों के संबंध में अपराध है। करेंसी नोटों के संबंध में 489 ए से लेके 489 ई तक के अपराध हैं। आर्म्स एक्ट के अपराध हैं और आईटी एक्ट के अपराध हैं। तो इतने अपराधों को यहां पर शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है, कुछ अधिनियमों को बता दिया गया है और कुछ अधिनियमों की धाराओं को बता दिया गया है। तो ये देखिए, अब इसका एक्सटेंट बढ़ गया। पहले ये सिर्फ आतंकवाद को ही डील कर रहा था, तो विस्फोटक अधिनियम को डील कर रहा था। अब इसमें देखें कौन कौन से आ गए। परमाणु ऊर्जा अधिनियम आ गया आपका 2019 के बाद से। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के अपराध हैं, उनके संबंध में भी एनआईए काम करेगी। आपके एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016, इसके भी अपराधों को अब एनआईए डील करेगी। आपके सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982, इसके भी अपराध हैं। यदि इसके संबंध में अपराध किया गया है तो भी एनआईए काम करेगी। आपका सार्स कन्वेंशन था, उसके बाद एक्ट बनाया गया 1993 में, उसके अपराधों को भी ये देखेगी। फिर आपका जो अजमल आबिल कसाब के संबंध में, जो वहां से नौ परिवहन थे, नौका परिवहन, उनको डील करने के लिए भी एक एक्ट है 2002 में, तो उसको भी शामिल कर दिया गया है कि वो भी इसमें डील करेगा। सामूहिक नरसंहार के अपराध हैं, मास डिस्ट्रक्शन के जो वीपन्स हैं उनके संबंध में अधिनियम है आपका 2005 का, तो उसके अपराधों को भी ये डील करेगी। और आईपीसी के अपराध आपने देखे ही थे, 370 और 370 ए के अपराध भी शामिल हैं, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के अपराध। तो इतने जो नोटिफाइड अपराध आपने पढ़े ना, इन्हीं अपराधों के संबंध में एनआईए काम करेगी, इसके अलावा काम नहीं करेगी, इन अपराधों के संबंध में ही काम करेगी। मूल अपराध यही होना चाहिए। तो अधिसूचित अपराध आपसे पूछे तो परिभाषित कहाँ है, यहाँ है, और कौन कौन से हैं नोटिस शेड्यूल ऑफेंस, तो वो जानने के लिए आपको सूची में जाना पड़ेगा। विशेष न्यायालय क्या होता है, तो विशेष न्यायालय की परिभाषा एनआईए एक्ट की धारा 2H में दी हुई है, धारा 11 और धारा 22 के अधीन। धारा 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट और धारा 22 में स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, कोर्टों को अभिहित करती है कि आप विशेष न्यायालय। ध्यान रखिएगा, यहां संशोधन करके पहले क्या था कि इंस्टीट्यूट शब्द था, कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड शब्द था, अब उसको बदल दिया गया है, काहे से कोर्ट डेजिग्नेटेड शब्द से बदल गया 2019 में। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार यदि किसी न्यायालय को स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट कर देती है तो विशेष न्यायालय वही न्यायालय कहलाएगा। फिर कहा गया कि जैसे संहिता की परिभाषा आपने पढ़ी, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इससे सेशन ट्रायल चलेगा, ट्रांसफर होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, गिरफ्तारी होगा। तो जो चीजें इसमें पारिभाषित कर दी गई हैं वो तो ठीक है, और यदि पारिभाषित नहीं की गई हैं तो उसको लिए आपको सीआरपीसी देखनी पड़ेगी। तो ये परिभाषा खंड है आपका 2A से लेके 2I तक, कुछ बहुत विशेष नहीं है यहां पर परिभाषा खंड में, बस शेड्यूल ऑफेंस आपको जरूर जानने कि शेड्यूल ऑफेंस कौन कौन। फिर आ जाते हैं अध्याय 2 में कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि एजेंसी बनानी है। तो अभी आपने पढ़ी थी 2A, 2 के क्लास ए में कि एजेंसी क्या है, जो धारा 3 में बताई गई है। तो धारा 3 में समझ लेते हैं कि एजेंसी क्या होती है, क्या क्या उसका रोल रहेगा। तो धारा 3 की उपधारा 1 कहती है कि हमारे यहां जो अपराधों को डील करने के लिए एक एक्ट है, जो एजेंसी काम करती है पुलिस, और पुलिस किस एक्ट से गवर्न होती है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट, ठीक, पुलिस एक्ट 1861, पुलिस अधिनियम 1861। जो अपराधों को डील करती है हमारे देश में वो पुलिस डील करती है, और पुलिस किस एक्ट से गवर्न होती है, पुलिस एक्ट 1861 से। तो धारा 3 कहती है कि आपका पुलिस एक्ट भले लिखा हुआ आप उसको रहने दीजिए, उसके बावजूद केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम 1861 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब पुलिस एक्ट है उसके होते हुए भी केंद्रीय सरकार के पास ये पावर है कि जो अभी आपने शेड्यूल में अपराध पढ़े, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नामक एक अभिकरण का गठन करेगी। तो कौन गठन कर रहा है, केंद्रीय सरकार। किस अधिनियम के अंतर्गत कर रही है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत। क्यों कर रही है, इस अनुसूची में, इस अधिनियम का जो शेड्यूल आपने पढ़ा ना,
तो शेड्यूल में जो अपराध बताए गए हैं उन अपराधों के अन्वेषण और उन अपराधों के अभियोजन के लिए एक एजेंसी का गठन करेगी। तो प्रश्न आपका आता है परिभाषित कहां है, तो 2A में है। कौन गठन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी। क्यों करेगी, इस अधिनियम के अनुसूची में स्पेसिफाइड अपराधों के अभियोजन और इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन और अभियोजन के लिए। क्या पुलिस एक्ट इस अधिनियम को प्रभावित करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया गया है पुलिस एक्ट 1861 पे। लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पुलिस एक्ट 1861, मतलब उसमें भले कुछ लिखा हुआ वो इस अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा। फिर आ जाए कि ये जो एजेंसी गठित हो गई है, इस एजेंसी की शक्तियां क्या होगी। तो हमने जैसा पढ़ा था कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास शक्तियां होती हैं कि वो 154 में FIR लेख करे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करे, गिरफ्तारी करे, सर्च करे, सीजर करे। तो ये सारी शक्तियां जो पुलिस को मिली हुई थी वो सारी शक्तियां NIA के अधिकारियों को मिल जाएंगी। उपधारा 2 कहती है हाँ अब पुलिस को भी मिली हुई है और NIA को भी मिलेंगी, तो एक टकराव पैदा होगा। एक ही विषय पर पुलिस भी काम कर रही है और एक ही विषय पर NIA भी काम कर रही है। तो NIA उसकी व्यवस्था करती है कि ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त करे, मतलब केंद्रीय सरकार कुछ आदेश करेगी तो उन आदेशों के हिसाब से ही NIA को उपधारा 2 की शक्तियां मिलती हैं। अभिकरण के अपराधों को, अभिकरण क्या करेगा, एजेंसी क्या करेगा, जो शेड्यूल के अपराध है उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो कहा गया कि अभिकरण एजेंसी के जो अधिकारी हैं जब वो शेड्यूल में बताए गए अपराधों का अन्वेषण करेंगे तो उन्हें संपूर्ण भारत में, मतलब पूरे भारत में उन अधिकारियों को ये पावर है कि वो अपराध से जो कनेक्टेड पर्सन है उनको गिरफ्तार कर सके और उसको वो सारी शक्तियां, वो सारे अधिकार और वो सारे रिस्ट्रिक्शन को पालन करना होगा जो कि पुलिस को मिले हुए, पुलिस को जो शक्तियां मिली हुई है NIA का ऑफिसर संपूर्ण भारत में जब शेड्यूल में बताए गए अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उन शक्तियों का, उन अधिकारों का और उन दायित्वों का निर्वहन करेगा। पहला ये हो गया कि NIA की जो जुरिस्डिक्शन है इन्वेस्टिगेशन की, तो भाई संपूर्ण भारत में हम बना रहे हैं तो अधिनियम में कहीं हमें प्रावधान देना पड़ेगा। तो प्रावधान जब दे रहे हैं तो हमने कहा कि NIA का जो ऑफिसर है, केंद्रीय सरकार जो उसको आदेश करेगा, उन आदेशों के अधीन रहते हुए संपूर्ण भारत में जब शेड्यूल में बताए गए अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करेगा तो संपूर्ण भारत में वो पुलिस की तरह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और पुलिस को जो जो भी शक्तियां आपने CRPC में पढ़ी हैं वो सारी शक्तियां इसको मिल जाएंगी और उन सारे दायित्वों का भी पालन इस अधिकारी को करना पड़ेगा। तो ये तो भारत के संबंध में बात हो गई। अब जब बात करें कि हमें विदेशों में भी जाना है NIA को, टेरर फंडिंग मान लीजिए कि अफगानिस्तान से हो रही थी या श्रीलंका से हो रही थी या किसी ऑस्ट्रेलिया से हो रही थी, किसी भी देश से हो रही थी, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। तो NIA को यदि हम सिर्फ भारत में ही काम करने का मौका देंगे तो वहां वाला तो बैठ के आसानी से काम करता रहेगा। तो बात ये NIA एक्ट पावर देता है कि आउटसाइड द इंडिया भी NIA का ऑफिसर इन्हीं शक्तियों का उपयोग कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, आउटसाइड द इंडिया भी कर सकता है NIA का ऑफिसर। जब शेड्यूल में बताए गए अपराधों का अन्वेषण NIA का ऑफिसर करेगा तो वो भारत में तो करेगा ही इन शक्तियों का उपयोग, भारत के बाहर भी कर सकता है। तो जब भारत में शक्तियों का उपयोग कर रहा था तो सिर्फ उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था कि केंद्रीय सरकार के आदेशों के अधीन काम करना था। अब जब विदेश में कर रहा है तो एक और रिस्ट्रिक्शन लग जा रहा है कि उसको अंतरराष्ट्रीय जो ट्रीटी हैं या जिस देश में जाकर आप काम करने वाले हैं उस देश की जो विधि होगी। जैसे हमारे यहां मान लीजिए कि न्यूजीलैंड की पुलिस आती है, न्यूजीलैंड की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो भी अपने यहां हमने उससे समझौता कर रखा न्यूजीलैंड से कि आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आएगी जो आतंकवाद का काम करती है तो उसको हम ऐड देंगे। तो अब न्यूजीलैंड की जो एजेंसी आएगी तो वो CRPC के हिसाब से किसी की गिरफ्तारी करेगी, CRPC के हिसाब से किसी के घर में प्रवेश करेगी, क्योंकि हमारा ला तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही चीज जब NIA बाहर किसी देश में काम करने जाएगी तो NIA CRPC के हिसाब से तो चलेगी पर कुछ चीजों को उसको उस देश की विधि के हिसाब से भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। तो यही लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और अंतरराष्ट्रीय जो ट्रीटी है और संबंधित राष्ट्र की जो देशी विधि है उसके अधीन रहते हुए भारत के बाहर भी NIA का अधिकारी लोगों को गिरफ्तार कर सकता है
और लोगों के सर्च सीजर जो जो पावर पुलिस को है वो एंटरटेन कर सकता है। कितना बड़ा पावर मिल गया कि आप संपूर्ण भारत में किसी को पकड़ सकते हैं और आप भारत के बाहर भी जाके किसी को पकड़ सकते हैं। दो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, कि आपको अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और दूसरा कि आपको उस देश की जो लोकल लॉ होगा, उस देश का जो डोमेस्टिक लॉ होगा, डोमेस्टिक लॉ का भी सम्मान करना पड़ेगा। तो बड़ी शक्ति मिलती है ये उपधारा दो से। फिर आ जाते हैं कि जब एनआईए का ऑफिसर देश में किसी जगह पर खड़े होकर काम करेगा, तो उसको देखिए कि शक्ति दे दी गई है कि आपको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सारी शक्तियां मिल जाएंगी। उपधारा तीन कहती है कि एनआईए का कौन सा ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का है, एनआईए का कोई भी ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी है, जिस स्थान पर वो काम कर रहा है इस अधिनियम के तहत, तो उस स्थान का वो भारसाधक अधिकारी को मिली सारी शक्तियों को एंटरटेन करेगा और उसको माना जाएगा कि वो वहां का भारसाधक अधिकारी। उपधारा तीन ये कहती है। इसको एक उदाहरण से समझ लें कि मान लीजिए कि एनआईए की टीम आई जबलपुर में काम कर रही, और जबलपुर में आपका कौन सा थाना ले लें, गोरखपुर थाना, तो गोरखपुर थाने के किसी क्षेत्र में खड़े होकर अब एनआईए के सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को काम करना। समस्या समझ लें कि अपराध कहां हुआ है, पंजाब में आतंकवादी हमला हुआ, ठीक, पंजाब में आतंकवादी हमला हुआ है, उससे पता चला है कि जबलपुर से उसके लिंक है, तो एनआईए एक्ट में काम करने वाले ऑफिसर को पावर है कि वो जबलपुर में आए और पुलिस की सारी शक्तियों को एंटरटेन करे। तो जब पुलिस की शक्तियों को एंटरटेन कर रहा है तो जिस स्थान पर वो खड़ा है उस स्थान पर जुरिसडिक्शन रखने वाले थाना प्रभारी को प्राप्त सारी शक्तियां उस एनआईए के ऑफिसर को हो जाएंगी। और उपधारा तीन ये भी कहती है कि ऐसे अधिकारी को जब वो इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहा है उस पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा। कितना बड़ा पावर मिल गया उसको कि है कहां से आया है, वो हरियाणा से आया है जांच करने वाला अधिकारी, लखनऊ से आया जांच करने वाला अधिकारी, गोरखपुर थाने में खड़ा होकर काम कर रहा है और उसको गोरखपुर थाने के टीआई की सारी शक्तियां दे दी जा रही है और उसको माना जा रहा है कि ये गोरखपुर थाने का टीआई है सिर्फ एक विशेष उद्देश्य के लिए कि इस अधिनियम के अधीन जो वो काम कर रहा है उसके लिए। तो शक्तियों को देखिए कितना बृहद कर दिया गया। अब ये जो एनआईए की संस्था बन गई है इसका कोई देखरेख के लिए होना चाहिए, कौन देखेगा? तो उपधारा चार कहती है कि सुपरिटेंडेंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो कहा गया कि जो इसका सुपरिटेंडेंस का पावर है वो कहां वेस्टेड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार एनआईए एजेंसी का अधीक्षण करेगी। प्रश्न आता है कि कौन करेगा अधीक्षण, तो केंद्रीय सरकार करेगी। अधीक्षण की शक्तियां किसके पास है, केंद्रीय सरकार के पास है। अब केंद्रीय सरकार के पास है तो क्या हमारे गृह मंत्री जी चले जाएंगे अधीक्षण करने, वो किसी अधिकारी के माध्यम से अपना काम करेंगे, सरकारें अधिकारियों के माध्यम से काम करती है। तो कौन सा अधिकारी अब काम करेगा, शक्ति किसके पास है, केंद्रीय सरकार के पास है सुपरिटेंडेंस की, पर केंद्रीय सरकार किसी अधिकारी को रिक्रूट करेगी कि तुम कि सरकार की तरफ से देखते रहो। तो केंद्रीय सरकार ने किसको किया, अभिकरण का प्रकाशन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक के रूप में अभिहित अधिकारी में निहित होगा। मतलब केंद्रीय सरकार किसको कर देगी प्रसार अधीक्षण का पावर, एक डायरेक्टर जनरल को कर देगी, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर देगी और वो डायरेक्टर जनरल केंद्रीय सरकार की ओर से एजेंसी का सुपरिटेंडेंस करता रहेगा। अब इस डायरेक्टर जनरल को क्या पावर होगी, तो कहा गया कि राज्यों में जो डीजीपी होते हैं ना, तो राज्यों के जो डीजीपी को पावर होते हैं ठीक ऐसे ही पावर एजेंसी के संबंध में इस डायरेक्टर जनरल को होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए को कौन से पावर होंगे, हमें पावर नहीं बताने, कहा गया कि किसी राज्य में जो डीजी को पावर होते हैं ना, डीजीपी को पावर होते, वो सारे पावर इस एजेंसी के कामकाज के संबंध में डायरेक्टर जनरल को होंगे। फिर जो एनआईए है तो उसके कर्मचारियों का गठन कैसे होगा, कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या होंगी, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये सिर्फ सेवाओं के संबंध में है कि धारा 5 कहती है कि अभिकरण के गठन की रीति क्या होगी, सदस्यों के सेवा की शर्तें क्या होगी, इस बारे में प्रावधान सरकार करेगी। फिर आ जाए कि अपराधों का अन्वेषण, अभी तो हमने शक्तियां पढ़ी कि जब एनआईए का अधिकारी सब इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी किसी क्षेत्र पे खड़ा होकर इस अधिनियम के अधीन काम कर रहा तो उसको उस क्षेत्र का थाना प्रभारी की शक्तियां मिल जाएंगी और थाना प्रभारी माना जाएगा।
वो भारत में कहीं भी जाए किसी को गिरफ्तार कर लेगा, विदेश में भी जाके वो किसी के साथ गिरफ्तारी कर सकता, सर सीजर कर सकता। पर अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी का सम्मान करना है, और जिस देश में आप विदेश गए हैं काम करने के लिए उस देश के जो डोमेस्टिक लॉ है उसका सम्मान करना। आ जाए उपधारा धारा 6 में, तो अध्याय 3 है, अध्याय 3 आपका धारा 6 से लेके 10 तक के प्रावधानों की चर्चा करता है, बड़े महत्वपूर्ण है, और इस पर लेकर अभी विवाद भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि देखिए जब इसके कंक्लूजन पर हम लोग आएंगे इस अधिनियम के, तो वहां बृहद चर्चा होगी इस पर। अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो शेड्यूल है 7वीं अनुसूची देखें संविधान की, तो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और आपकी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पुलिस देखें, पुलिस किस लिस्ट का विषय है? स्टेट लिस्ट का विषय है। जो सिक्योरिटी और सॉवरेंटी है देश की वो यूनियन लिस्ट का विषय है, और जो दंड विधियां हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। तो ये जो अधिनियम है देखिए पुलिस पर सुपरसीड हो जा रहा है, मतलब पुलिस का काम है कि वो दंड विधियों के तहत काम करे, तो ये एनआईए चला रहा है। आईपीसी की 121 से लेकर 130 तक की धाराओं में पुलिस को अधिकार है कि पुलिस काम करे, तो ये एनआईए उसके ऊपर सुपरसीड कर दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि ये जो हमारा संघीय ढांचा है, जो हमारा फेडरलिस्ट सिस्टम है, उसको ये प्रभावित करता है, ये राज्यों के अधिकारों को सीमित करता है ये एक्ट जो है। तो इसी को लेके वो विवाद करने गए हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो विवाद अभी चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ। तो आ जाते हैं कैसे उनको ग्राउंड्स मिले हैं धारा 6 से, ये देख लेते हैं कि पहले सूचना कहां मिलेगी। एनआईए का इतना बड़ा संगठन नहीं है, 5-6 हजार कर्मचारी है इसके पास कुल। तो अब गली गली पे अपराध होते हैं, तो अपराधों की पहली सूचना कहां जाती है? थाने जाती है। तो पहले बात किया गया, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सुनिएगा, कि एनआईए के 5-6 ब्रांचेज हैं आपकी, ब्रांच हम आपको लिखा सकते हैं, एक नेशनल हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और कुल 8 ब्रांच है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोची में है, लखनऊ में है, मुंबई में, कोलकाता में, रायपुर में और जम्मू में, इतनी कुल 8 ब्रांचें हैं और एक हेडक्वार्टर। तो 8 ब्रांचों के भरोसे आप पूरे देश पर मॉनिटर नहीं कर सकते कि कहां कहां अपराध हो रहे हैं। तो ये अपराध क्या होते हैं? पहले यदि मान लीजिए कि किसी राज्य के पुलिस थाने पर सूचना मिली, तो 154 कहती है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर उसको लेखबद्ध करेगा। तो यदि ऐसा होता है कि अनुसूचित अपराध, जो शेड्यूल में अपराध बताए गए हैं, उन अपराधों की सूचना किसी थाने पर पहुंचती है, और थाना राज्य सरकार का है, तो थाने पर जब सूचना पहुंची तो थाना प्रभारी उस सूचना को लेखबद्ध करेगा, और ये ड्यूटी अब नई आ गई थाना प्रभारी की। यदि आपके पास इस अधिनियम में जो आपने अपराध पढ़े ना 8 श्रेणी के, उन अपराधों की सूचना थाने पर पहुंची है, तो थाना प्रभारी उसको अभिलिखित करेगा और उसकी रिपोर्ट तत्काल कहां भेजेगा? राज्य सरकार के पास फॉरवर्ड करेगा। ये नई ड्यूटी आ गई। अभी ऐसा आपने सीआरपीसी में नहीं पढ़ा था कि राज्य सरकार के पास रिपोर्ट भेजना। रिपोर्ट कहां भेज रहे थे? हम 157 के तहत मजिस्ट्रेट के पास भेज रहे थे। ये नई चीज बताता है कि यदि शेड्यूल में जो अपराध है उन अपराधों की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को मिली है, तो थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 154 सीआरपीसी के तहत उस रिपोर्ट को लेखबद्ध करेगा और उसकी तत्काल, देखिए कितना लिखा हुआ है कि तुरंत देना, तत्काल आपको सूचना देना है किसको? राज्य सरकार को, उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देना है। अब राज्य सरकार क्या करेगी उस रिपोर्ट को? तो राज्य सरकार को जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है उपधारा 1 के अधीन, तो उस रिपोर्ट को वो यथासंभव जितना भी एक्सपीडिसली हो सके पॉसिबल, उतना तुरंत कहां भेज देना? केंद्र सरकार को। तो थाने पे सूचना आई, थाने ने कहां भेजा? राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार ने कहां फॉरवर्ड कर दिया? केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार के पास बात पहुंच गई, उपधारा 3 में आ जाएं कि उपधारा 2 के तहत राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार ने जो उपलब्ध कराई गई जानकारी है या किसी अन्य स्रोत से सूचना की प्राप्ति राज्य सरकार को हुई है, 15 दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को पहले यह तय करना है कि जो ये मामला है ये शेड्यूल के अपराधों में आता है कि नहीं, पहली चीज ये तय करनी है। और दूसरी चीज ये भी देखना है केंद्रीय सरकार को कि शेड्यूल में आता है तो क्या इस नेचर का है, इतना गंभीर प्रकृति का है
कि इसका एनआईएस इन्वेस्टिगेशन कराना जाना चाहिए। राज्य सरकार के पास पावर नहीं है कि वो ग्रेविटी देखे, थाने प्रभारी के पास पावर नहीं है कि वो ग्रेविटी देखे। थाना प्रभारी को सूचना मिली कि क्यों शेड्यूल का अपराध हुआ, 121 से लेके 130 का अपराध हुआ, 489 ए से लेके ई तक के अपराध हुए हैं, या आम सेक्टर की दो धाराएं बताई गई उनके तहत अपराध हुआ, साइबर ट्रैफिकिंग साइबर आतंकवाद का अपराध हुआ, तो थाना प्रभारी को कुछ नहीं अपना विवेक लगाना, उसको तुरंत रिपोर्ट भेज देनी है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार को भी विवेक नहीं लगाना, राज्य सरकार को भेज देना है केंद्र सरकार के पास। हाँ, केंद्र सरकार अब उसकी जांच करेगी, केंद्र सरकार ये देखेगी कि क्या वास्तव में जो धाराएं लगी हुई हैं, जो अपराध जो कंटेंट है जो तथ्य है मामले के, उन तथ्यों के आधार पर ये अपराध बन भी रहे शेड्यूल के कि नहीं बन रहे। और दूसरी चीज क्या, यदि बन रहे हैं तो इतने गंभीर प्रकृति का है कि इसकी एनआईए से जांच करानी चाहिए, तो राज्य केंद्र सरकार ये तय करेगी कितने दिन के भीतर तय करेगी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर केंद्रीय सरकार ऐसा करेगी। अब केंद्रीय सरकार को लग सकता है कि हाँ ठीक है, गंभीर मामला आ गया है और जरूरी है कि इसका इन्वेस्टिगेशन, ये इस नेचर का शेड्यूल अपराध है, जो शेड्यूल में बताए गए ऑफेंस हैं उस श्रेणी का अपराध है और इस नेचर का भी है कि जरूरी है कि एनआईए से जांच करानी चाहिए। तो अब राज्य केंद्रीय सरकार क्या करेगी, एनआईए को डायरेक्शन देगी कि आप इस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करिए। उपधारा 4 यही कहती है कि जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है, उपधारा 3 कहती थी कि केंद्रीय सरकार जांच करेगी पहले कि मामला गंभीर है और मामला इस अधिनियम में आता है कि नहीं, और जब पा गई कि इस अधिनियम में आता है और गंभीर है, तो उपधारा 4 कहती है कि केंद्रीय सरकार को यदि लगता है कि मामला अनुसूचित अपराध है, जो शेड्यूल में बताया गया अपराध है वैसा अपराध है, और अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला, यदि दो चीजें तय कर ली केंद्रीय सरकार ने, तो क्या करेगी, एनआईए को वो एजेंसी को कह देगी कि आप अन्वेषण करो, डायरेक्शन मिल गया। तो पहला डायरेक्शन कहां से मिल रहा है, राज्य सरकार की तरफ से चीजें आई थी और केंद्रीय सरकार ने एनआईए को कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। राज्य सरकारों पर यह ड्यूटी लगा दी गई है कि यदि इस अधिनियम के अपराध आपकी जानकारी में आते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आप केंद्रीय सरकार को करेंगे। अब उपधारा 5 आ जाए, जो राज्य सरकारें बदमाशी करती हैं, उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं, उनके क्षेत्र की अलग राजनीति होती है, उनके अलग पॉलिटिकल बेनिफिट होते हैं, तो राज्य सरकारें कई बार सीबीआई पर अवरोध करती हैं। जैसे अभी आप देखें कुछ अब पश्चिम बंगाल में मामला चल रहा था कि वहां सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कुछ अपराध हुए तो राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी तो नहीं हुआ। अभी यूपी में हुआ था तो उसमें भी बड़ा जब पॉलिटिकल प्रेशर बना चारों तरफ से, तब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, पहले वहां की लोकल पुलिस कर रही थी। तो सीबीआई के संबंध में तो समस्या यह है कि सीबीआई को जब राज्य सरकार अनुमति देती है तब वो काम कर पाती है, तो इस समस्या से हमें एनआईए को निजात दिलानी थी। तो उपधारा 5 वो निजात दिलाती है, कहती है कि इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, अभी आपने पढ़ा ना कि राज्य सरकार रिपोर्ट भेजेगी तब केंद्रीय सरकार डायरेक्शन देगी, कहा गया कि भले वो लिखा हुआ, यदि केंद्रीय सरकार की ऐसी ओपिनियन है कि उसकी जानकारी में आ गया कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है, राज्य सरकार नहीं भेज रही रिपोर्ट, तो यदि केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है और उसका एनआईए से अन्वेषण कराया जाना जरूरी है, तो केंद्रीय सरकार ऐसा सुमोटो भी कर सकती है। अब वो राज्य सरकार के प्रतिवेदन और रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेगी, वो सुमोटो भी डायरेक्शन दे सकती है एनआईए को कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। तो अब देखिए, राज्य सरकार नहीं चाह रही थी कि एनआईए हमारे यहां है, पर यहां पर केंद्रीय सरकार को पावर है कि वो केंद्रीय सरकार सुमोटो भी कह सकती है कि एनआईए को कि जाइए आप इन्वेस्टिगेशन करिए। तो इसी को लेके आपत्ति कर रहे हैं रमन सिंह कि ये तो मतलब हमारे यहां जो राज्य की संस्थाएं हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो अपने आप में स्वतंत्र है और यहां उसका अतिक्रमण हो रहा, जो उपधारा 5 है वो अतिक्रमण कर रही है, कह रही स्वप्रेरणा से आप भेज देंगे हमारे यहां, हमारी इच्छा नहीं कि हमारे यहां एनआईए आए, हमारी पुलिस कॉम्पिटेंस से कर सकती है और आप भेज दे रहे हैं बिना जांच किए, हम शामिल भी नहीं उस जांच में। तो इसी को लेके विवाद हो रहा है धारा 5 में। तो धारा 4 में एनआईए को डायरेक्शन हो रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और धारा 5 में हो रहा है। जो धारा 4 में डायरेक्शन हो रहा है वो देखिए, मामला कहां से चल के आया था, थाने से चल के आया था, राज्य पुलिस से चल के आया था और केंद्रीय सरकार तक पहुंचा था, फिर एनआईए को डायरेक्शन हुआ। जो उपधारा 5 में डायरेक्शन हो रहा है वहां राज्य सरकार शामिल नहीं है, वहां सीधे केंद्र सरकार ने सुमोटो डायरेक्शन दे दिया एनआईए को कि आप जाइए इन्वेस्टिगेशन करिए। अब उपधारा 6 आ जाए कि अब मान लीजिए कि थाने में सूचना मिली थी और गंभीर अपराध है तो थाना प्रभारी बैठेगा तो थे नहीं, उसकी तो ड्यूटी है
156 कहती है कि आप तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू करें सीआरपीसी की। तो थाना प्रभारी ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था राज्य की पुलिस ने। तो उपधारा 6 कहती है कि जहां उपधारा 4 के अधीन डायरेक्शन दे दिया गया हो केंद्रीय सरकार द्वारा एनआईए को, या उपधारा 5 के अधीन कहा गया हो कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, यदि दोनों स्थितियां, चाहे राज्य सरकार के रिपोर्ट पर डायरेक्शन दिया गया हो या बिना राज्य सरकार से पूछे डायरेक्शन दे दिया गया, उपधारा 6 यही कहती है कि जहां उपधारा 4 और 5 के अधीन डायरेक्शन दे दिया गया है एनआईए को कि इन्वेस्टिगेशन करें, तो उस अपराध का अन्वेषण करने वाला राज्य का सरकार का कोई पुलिस अधिकारी आगे अन्वेषण नहीं करेगा। जिस दिन डायरेक्शन हो गया केंद्रीय सरकार के, उस दिन से अब राज्य पुलिस का कोई अधिकारी उस मामले में अन्वेषण नहीं करेगा। इसी को रमन सिंह चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी जो संघी व्यवस्था है, संघी ढांचा है, उसको डैमेज करता है। और दूसरी ड्यूटी यह भी है कि अन्वेषण नहीं करेगा और उसके पास जितने भी रिकॉर्ड थे, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे, उन सबको कहां भेज देगा, एजेंसी के पास फॉरवर्ड कर देगा। ये उसकी ड्यूटी है कि जैसे ही केंद्रीय सरकार ने डायरेक्शन दिया उसके बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन बंद करे और उसके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं, जितने रिकॉर्ड हैं, वो सब एनआईए के पास भेज दे। फिर एक विवाद आया कि अभी राज्य सरकार ने डायरेक्शन कर दिया, केंद्रीय सरकार ने डायरेक्शन कर दिया, और जब तक वो अभी एनआईए ने तुरंत चालू नहीं किया है, मान लीजिए कि केंद्रीय सरकार के डायरेक्शन के बाद एनआईए को इन्वेस्टिगेशन चालू करने में 4-5 दिन लग जाते हैं, तो इस 4-5 दिनों का क्या होगा, तो उसका विवाद सुलझाती है उपधारा 7 की शंकाओं को दूर करने के लिए घोषणा की जाती है कि अभिकरण द्वारा मामले का अन्वेषण प्रारंभ करने तक, पहले उपधारा 6 कहती है कि आदेश दिया नहीं कि आप रोक दीजिए अन्वेषण, पर उपधारा 7 रियायत देती है कि जब तक अभिकरण अन्वेषण का प्रारंभ नहीं कर रहा है, एनआईए की एजेंसी आकर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ नहीं कर रही है, तब तक जो टीआई था संबंधित थाने का, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी कर्तव्य है कि वो अन्वेषण को जारी रखे। जब एनआईए चालू कर देगी तब आप बंद करिएगा। उपधारा 6 कहती है कि आदेश दिनांक से बंद कर देना, आदेश हो गया आपको बंद कर देना। उपधारा 7 कहती है इससे एक प्रैक्टिकल समस्या आएगी कि एनआईए ने चालू नहीं किया, पुलिस ने भी बंद कर दिया, तो कहा गया कि जब तक एनआईए इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करती है तब तक पुलिस काम करती रहे। अब हमने पढ़ा था उपधारा धारा 4 में भी, धारा 3 में पढ़ा कि ये विदेशों में भी एनआईए जाएगी, काम करेगी, और इसका जुरिस्डिक्शन जब हम देख रहे थे कि धारा 1 का खंड, उपधारा 2 का खंड डी, ये विदेशों में भी जाएगा, काम करेगा। तो मान लीजिए कि न्यूजीलैंड में कोई अपराध हुआ था, विदेशी व्यक्ति ने किया और वहां बम धमाका कर दिया, उससे भारत के नागरिक प्रभावित हो गए, तो एनआईए एक्ट वहां लागू हो जाता है, तो इसका मामला कहां रजिस्टर्ड होगा, क्या न्यूजीलैंड में जाएगी एनआईए रजिस्टर्ड करने? नहीं। धारा 8 कहती है कि केंद्रीय सरकार को यदि ऐसा लगता है कि भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहां इस अधिनियम का विस्तार है कोई अधिसूचित अपराध किया गया है, तो वह अभिकरण को इस प्रकार केस रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने का निर्देश दे सकती है मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया। यदि केंद्रीय सरकार को लग रहा कि भले न्यूजीलैंड में बम धमाका हुआ, पाकिस्तान में बम धमाका हुआ, लेकिन उससे भारत के हितों पर प्रभाव पड़ रहा और वो जो धमाका हुआ है वो इस शेड्यूल ऑफेंस की श्रेणी में आ रहा, तो केंद्रीय सरकार एनआईए को डायरेक्शन देगी कि आप उसको रजिस्टर्ड करिए और उसको इस तरह ट्रीट करिए कि जैसे वो अपराध भारत में हुआ। अब जब ट्रायल की बात चलेगी तो हम अभी आगे देखेंगे विशेष न्यायालय के बारे में जब जाएंगे कि विशेष न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के अपराध का ही ट्रायल करेगा। तो ये तो अब अफगानिस्तान में बम धमाका हुआ या न्यूजीलैंड में हुआ है तो किसी न्यायालय की वहां जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इसी का विवाद सुलझाती है उपधारा 9 कि जब धारा 8 के अधीन कोई मामला रजिस्टर्ड हो तो उस मामले के लिए विशेष न्यायालय माना जाएगा नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय। जब विशेष न्यायालय पढ़ेंगे तब फिर एक बार इसको पढ़ेंगे। धारा 7 आ जाए कि अन्वेषण राज्य सरकार को अंतरित करने की शक्ति। एक तो हमने पाया था कि एनआईए के पास रिपोर्ट आई और एनआईए ने तय किया कि मामला शेड्यूल ऑफेंस है और गंभीर है, तो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। उपधारा 7 धारा 7 जो है थोड़ा सा एनआईए को पावर देती है और राज्य सरकारों की पुलिस को बाध्य बनाती है। क्या पावर देती है कि जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, अन्वेषण करते समय जब एनआईए ने देखा कि अपराध की गंभीरता और जो अदर रिलेवेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, उससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को भी इसमें एसोसिएट करना चाहिए, तो एनआईए उपधारा जो धारा 7 है, धारा 7 का खंड का कहता है
कि यदि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा लगता है कि इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो या ऐसा करना समीचीन है, तो एनआईए राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप भी इस अन्वेषण से एसोसिएट होइए। करेगी एनआईए, लेकिन उसको लगता है कि नहीं राज्य सरकार से भी यहां मदद की जरूरत है, तो राज्य सरकार से कहेगी कि आप इसमें एसोसिएट होइए। तो यह भी एक दबाव है राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार एनआईए इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और कह रही है कि आप इसमें मदद भी करिए, तो राज्य सरकार को ऐसा करना भी पड़ेगा। जो स्टेट पुलिस होगी वो एनआईए के असिस्टेंस में काम करेगी, या एनआईए को लगता है कि उसने पहले ले लिया था मामला, फिर जो डॉक्यूमेंट देखे या जो ग्रेविटी देखी मामले के, तो उसको लगता है कि ऐसा हमारे लिए ठीक नहीं है, एनआईए के लेवल का मामला नहीं है, स्टेट पुलिस को सौंप देते, आतंकवाद का मामला नहीं है, लोकल डिस्प्यूट है, तो केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एनआईए अपराध के अन्वेषण और विचारण के लिए राज्य सरकार को मामला अंतरित कर सकता। पहले एनआईए ने ले लिया था, अब उसको लगता है कि नहीं बड़ा विवाद नहीं है, कुछ ग्रेविटी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पर नहीं पड़ रही देश की, ये तो लोकल गुंडे लड़ रहे थे, तो अब एनआईए वहां पर काम नहीं करेगी। एनआईए क्या कर देगी, मामले को केंद्रीय सरकार के अप्रूवल के माध्यम से प्रायर अप्रूवल लेगी और केंद्रीय सरकार के अप्रूवल से राज्य सरकार के पास भेज देगी, आप इन्वेस्टिगेट करें और अपनी प्रोसिक्यूशन एजेंसी से इसको चलवाएं। अब धारा 8 आ जाएं। धारा 8 अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एनआईए की जो शक्तियां हैं वो शेड्यूल ऑफेंस के संबंध में, कि जो शेड्यूल के अपराध हैं उन्हीं के संबंध में वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और उन्हीं के संबंध में वो मामले में प्रोसिक्यूट करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति चुनाव करेगा कि नहीं मेरे सारे कंटेंट, जो अपराधी होगा वो चुनाव करेगा कि नहीं मेरे सारे कंटेंट 121 से 130 में ही आने चाहिए, वो 302 का भी अपराध कर दे रहा आईपीसी का, तो जो शेड्यूल में नहीं शामिल है। तो क्या एनआईए अब जब 121 से लेकर 130 के ही अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करेगी, 302 का स्टेट पुलिस करेगी, ऐसा नहीं है। धारा 8 कहती है कि एजेंसी जब किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करे और ऐसे अपराध का अन्वेषण करते समय यदि अभियुक्त द्वारा कोई अन्य अपराध भी किया गया, मुख्य अपराध क्या है अनुसूचित अपराध है, पर अनुसूचित अपराध के अलावा भी कोई अपराध उसके द्वारा किया गया है, तो एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है यदि वो दोनों अपराध एक दूसरे से कनेक्टेड, मूल अपराध आपका शेड्यूल वाला है लेकिन उसी से कनेक्टेड कोई एक अपराध है, एक और अपराध है, तो एनआईए उस दूसरे अपराध का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अभी आपने पढ़ा कि राज्य सरकार को कहा गया कि वो एसोसिएट हो मामले से, एनआईए ने कहा, तो धारा 9 कहती है कि राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए अभिकरण को सभी प्रकार की सहायता दे और सहयोग दे। राज्य सरकार की ड्यूटी, ऐसा नहीं कि वहां पर रिक्वेस्ट किया है तो आप रिक्वेस्ट है तो हाँ ठीक है हम रिक्वेस्ट नहीं मानते, ऐसा नहीं है। धारा 9 कहती है कि राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि राज्य सरकार अपराधों के अन्वेषण के लिए एजेंसी को सभी प्रकार का ऐड दे और सभी प्रकार से कोऑपरेशन करे, असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन दोनों करे। अब इस अधिनियम में बताया गया कि जो शेड्यूल के अपराध हैं, शेड्यूल के अपराध कौन से, यदि केंद्रीय सरकार के पास मामला गया और एनआईए ने उसको, केंद्रीय सरकार ने एनआईए को दे दिया, तब तो राज्य सरकार की पुलिस कुछ नहीं करेगी। अब एनआईए ने, एनआईए को नहीं दिया गया, केंद्र थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट लिखने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्रीय सरकार को भेज दिया और केंद्रीय सरकार ने कहा नहीं एनआईए लायक मामला नहीं है। तो धारा 10 उसी समस्या का निदान करती है कि इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है, यदि केंद्रीय सरकार ने कहा नहीं आप नहीं करेंगे एनआईए करेगी, तब तो आपको चुप बैठ जाना है, और यदि केंद्रीय सरकार ने ऐसा नहीं कहा तो इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय अधिनियम की कोई बात अनुसूचित अपराध या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्वेषण और अभियोजन करने की राज्य सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। सेविंग क्लाज इसको कह सकते हैं कि धारा 10 एक तरह से सेविंग क्लाज है, कहता है कि जो इस एक्ट के तहत चीजें आ रही हैं वहां तो एनआईए काम करेगी और जहां इस एक्ट के तहत रोक नहीं लगाई गई है वहां राज्य की सरकार अपना स्वतंत्र काम करती रहे और प्रोसिक्यूशन करती रहे। नित्यानंद सर आगे की चीजें कल देख लेंगे लगभग। सर दो लोगों के प्रश्न है सर, अगर हाँ सर ले ले। ब्रिजेन नागा जी प्रश्न करें, क्रम सिंह जाट साहब आप भी प्रश्न करें। सर भारत का एरोप्लेन है सर और रजिस्टर भारत में है और वो विदेश में
जाता है और उसमें विदेशी भी आदमी बैठे रहते हैं और वो घटना कोई करते हैं तो फिर भारत की एजेंसी काम करेगी सर? बिल्कुल करेगी, भारत में रजिस्ट्रीकृत है जी वो, तो उसमें विदेशी बैठा हो नागरिक बैठा हो कोई मतलब नहीं, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए बस। सर वो विदेश में पहुंच गया हो कहीं पहुंच जाए, विदेश में पहुंच गया तो प्लेन खड़ा होने के बाद रनवे पे थोड़ी कोई बैठेगा उसपे। अच्छा 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 जी सर, जी सर धन्यवाद। स्नेहलता जी, स्नेहलता जी आप प्रश्न करें। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन। हाँ हाँ कर लीजिए सर। एक तरफ राज्य सरकार की ड्यूटी है सहायता करना एनआईए को, और एक तरफ साथ का अनुरोध की भी बात करती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें सर। नहीं ऐसा है ना कि उसी की तो समस्या का निदान किया गया है, अब एनआईए किसी राज्य सरकार को तो आदेश दे नहीं सकती है, एनआईए कौन होता है, तो एनआईए तो आदेश दे नहीं सकता है, डीजीपी है, पब्लिक सर्वेंट है जी। तो वो आदेश तो देंगे नहीं, वो रिक्वेस्ट ही करेंगे। हाँ पर अधिनियम ने उनको रोक दिया राज्य सरकार को, ऐसा नहीं कि उसकी रिक्वेस्ट को आप लाइटली ले लें, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसकी रिक्वेस्ट पर एड दें, कोऑपरेशन और असिस्टेंस करें। जी जी सर, ओके सर। स्नेहलता जी आप प्रश्न करें। सर मैंने ग्रुप में सीआरपीसी के क्वेश्चंस डाले थे, मेरे को सीआरपीसी का प्रश्न है, पूछ सकती हूँ सर? अभी मत पूछे मैडम, सीआरपीसी की क्लास अभी चलेगी, परसों से चलेगी, परसों पूछ लीजिएगा, बाकी लोग भी हैं तो परसों परसों कर लीजिए। ओके थैंक यू सर। विक्रम सोलंकी जी आप प्रश्न कर लें। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है धारा 6 से, इसमें 154 के अधीन अभिलिखित करने पर, तो सर क्या इन इन जो शेड्यूल में बताया है 121 से 130 और ये सारी चीजें, इनके अधीन अगर एफआईआर हो रही है तो क्या सर इसमें जांच अन्वेषण कुछ भी नहीं किया जाएगा और डायरेक्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य नहीं, सरकार नहीं, ये नहीं, ये नहीं रोका गया, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कायम करें और इन्वेस्टिगेशन चालू करें राज्य पुलिस। हाँ पर क्या है कि उसकी सूचना तुरंत केंद्र सरकार भेजनी है, केंद्र सरकार तय करेगी कि अब हमें इन्वेस्टिगेट कराना है एनआईए से कि राज्य सरकार करती रहे, तो इन्वेस्टिगेशन तो करते रहना आपको। इन्वेस्टिगेशन कब रोकना है, जब केंद्रीय सरकार ने एनआईए को कह दिया और एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया तब आप रोक दीजिए इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज आप करते रहे। जी सर जी। आराध्या सोलंकी जी, मैडम आराध्या सोलंकी। हाँ सर, सर क्वेश्चन ये था कि जैसे सीबीआई के द्वारा राज्य सरकार जब कहती है कि सीबीआई जांच करे, ठीक है सर, तो सर क्या सीबीआई सो मोटो नहीं कर सकती है? नहीं सीबीआई सो मोटो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है, राज्य सरकार देगी तो सर जब ही करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही तो समस्या थी ना, तभी तो ये एनआईए एक्ट आया। अच्छा अच्छा सर। विवेक घटक जी आप प्रश्न करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एजेंसी अगर राज्य के अंदर अपने कंट्री के अंदर जांच कर दिया तो उसको किसी की परमिशन नहीं होती है, लेकिन अगर अदर कंट्री में जाती है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? नहीं, अब वो क्या है कि बहुत सारे राष्ट्रों से अपने देश की ट्रीटी हो गई है, उन्होंने प्रायर परमिशन दे के रख दी है, बहुत सारे राज्यों से ऐसा हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उन्होंने प्रायर परमिशन दे रखी है कि आपकी एनआईए आएगी तो अब उसको उस समय परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आए और काम चालू कर दे। जी सर, लेकिन जो विजय, सर जो विजय माल्या है उसके बारे में जांच कर सकती? एनआईए का अपराध यदि उसने किया हो तो कर सकती है, क्या एनआईए का अपराध किया उसने? वो तो लोन नहीं दे रहा है जी। विजय माल्या ने टेरर फंडिंग की हो तो हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। प्रतिमा पांडे जी, मैडम प्रतिमा पांडे। हेलो जी, प्रश्न करिए। मेरा ये सवाल था कि अगर वो इंटरनेशनल में कोई अपराध किया जाता है तो, और वो जो भी साधन है और जो व्यक्ति है वो भारत का नहीं है और साधन भी भारत में वो नहीं है, रजिस्टर नहीं है। हम आपको तो बता रहे हैं ना, न्यूजीलैंड का उदाहरण हम आपको दिया कि न्यूजीलैंड में चर्च पर हमला हुआ और दूसरे विदेश में हमला हुआ और विदेशियों ने किया, पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, यदि भारत के नागरिक पर पड़ रहा है या भारत के इंटरेस्ट पर पड़ रहा तो एनआईए काम कर सकती है। मतलब कि सर सिर्फ भारत में ही वो रजिस्टर और व्यक्तियों को प्रभावित करेगी, बाकियों के लिए नहीं? भारत के नागरिक को प्रभावित करे विदेश की घटना या भारत के हितों को प्रभावित करे तब एनआईए एक्ट लागू हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। देवेन डांगी जी आप प्रश्न करें। सर मेरा ये है सर, सीपीसी कब से चालू है, सीपीसी की क्लास से? ये बात के प्रश्न है देवेन, इस तरह के प्रश्न प्लीज बीच में मत किया करिए। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, लड़की वालों पे भी लागू है क्या सर?
पाकिस्तान की मर्जी यदि हमारे ऊपर हमला करती है। बिल्कुल लागू है, उसको समझे तो आपकी कहीं भी अपराध हो कोई भी करे, यदि उससे भारत का नागरिक प्रभावित हो रहा है या भारत के स्टेट के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं तो लागू हो जाएगा। रवि जी आप प्रश्न करें। हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि ट्रेटी अगर किसी देश के साथ नहीं है तो फिर एनआईए वहां जांच नहीं करेगी? फिर कैसे करेगी सर? तो वे तो दुबई में जैसे दाव दे रहा है, देश के लिए आपका जो संविधान देता है पावर, तो संविधान कहाँ के लिए कानून बनाने के लिए देता है? विदेशों के लिए थोड़ी देता है, तो वो तो विदेश की इच्छा से ही होगा, दूसरे राज्य की इच्छा से ही होगा, वो नहीं देगी अनुमति तो नहीं कर पाएंगे। फिर वो इंटरपोल और ये सारी चीजें जो यूएनओ की, ये नहीं कर पाएगी, फिर दूसरी संस्थाएं जो होंगी वो करेंगी। ठीक है सर, धन्यवाद। श्रीमती सुनीता बामनिया जी आप प्रश्न करें। सुनीता जी प्रश्न करिए। नमस्ते सर। प्रश्न करिए। प्रश्न सर, जो अभी जो सर टीवी पे स्पेशल ओपीएस एक सीरियल आता है सर, वो पूरा एनआई पे ही काम कर रहा है ना? नहीं मैडम, हमने सीरियल नहीं देखा तो नहीं बता। अरे कुछ भी आप लोग नहीं सर, एक्चुअली उसमें पार्लियामेंट अटैक के बारे में बताया था सर। देखिए जो सीरियल बनते हैं वो सीरियल इसलिए बनते हैं कि आप लोगों को अच्छे लगे, वो इसलिए नहीं बनते हैं कि वो अधिनियम की मंशा को पूरा करें। दीपिका गोस्वामी जी इसको कोरिलेट किया है, उसको देखा तभी मैंने ये क्वेश्चन किया था सर। नहीं अच्छा है यदि वहां से आप कोरिलेट कर पाए तो, आपको यदि आसानी से चीजें और अच्छी लग रही है तो बढ़िया है, हमने देखा नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। दीपिका गोस्वामी जी आप प्रश्न करें। दीपिका गोस्वामी जी, अशोक अजमेरा साहब आप प्रश्न करें। अशोक अजमेरा जी आप प्रश्न करें। वकील साहब प्रश्न करिए। आशुतोष कुशवाहा जी। हेलो, हाँ प्रश्न करिए जी। सर एक तो लागू हुआ। हेलो, हाँ प्रश्न करिए जी। सर मेरा पूछ रहा था कि ये जब प्रावधान लागू हुआ एनआईए का, उसके पूर्व में किए गए अपराध भी इसी के अंतर्गत डील किए जाएंगे? नहीं, उन अपराधों के लिए नहीं। यही तो इस विशेषता इस अधिनियम की, जो समस्या थी सीबीआई के साथ वो यही थी, उसी समस्या को दूर किया गया है। सीबीआई के पास कोई स्टेट्यूटरी पावर नहीं था, कोई विधि के माध्यम से नहीं सीबीआई काम कर रही, एक गृह मंत्रालय के आदेश के माध्यम से काम कर रही। तो पहले एक अधिनियम बनाया गया और दूसरा उस अधिनियम में जो शक्तियां थी वो इसकी बढ़ा दी गई। जब आप राज्य सरकार नहीं चाह रही है तो ऐसा नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे रखे बैठ रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं स्वप्रेरणा से। जितेंद्र यादव जी आप प्रश्न करें। जितेंद्र यादव जी हेलो। हेलो हाँ सर जी, वो ऑन नहीं हो रहा था। जी सॉरी सर, वो ऑन ही नहीं हो रहा था, अनम्यूट हो रहा था। हाँ प्रश्न करिए। प्रश्न करिए सर जी, ये राष्ट्रीय स्तर पर ही एजेंसी का गठन होगा कि राज्य स्तर पर भी होगा? नहीं नहीं, केंद्र सरकार कर रही, धारा 3 में आप देखें केंद्र सरकार गठन कर रही है, केंद्र सरकार फिर ब्रांचें उसकी खोल सकती है जहां उसको ठीक लगेगा। नहीं जी सर, ओटी में अगर ऐसा क्वेश्चन है कि ये राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पे हो रही है तो फिर वो गलत होगा क्वेश्चन? बिल्कुल, राज्य को पावर ही नहीं, आप उसकी उद्देशिका देखें ना प्रीएम्बल कि राष्ट्रीय स्तर पर एक जी प्रीएम्बल में तो राष्ट्रीय स्तर ही पर है। जी जी थैंक यू सर, तो हमें काम करना ही नहीं। जी सर जी। प्रियंका सोनी जी आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रियंका सोनी जी। जितेंद्र जी हाँ प्रश्न करिए। सर मुझे सेक्शन 7 दोबारा से थोड़ा समझना था। आप बता दें सेक्शन 7 में क्या समस्या, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं सीधे। नहीं, सेक्शन 7 का जो का और खा है ना, ये दोनों पॉइंट्स बोल रही थी। एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनआईए को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगा कि उसको राज्य सरकार से भी मदद लेनी चाहिए, तो राज्य सरकार को रिक्वेस्ट कर देगी कि आप भी एसोसिएट होइए इससे, पहला ये लिखा हुआ है। और दूसरा ये लिखा हुआ है कि एनआईए को लगा कि नहीं मामला इतना गंभीर नहीं है, आतंकवाद नहीं है, लोकल गुंडे लड़ रहे थे, तो एनआईए क्या करेगी, केंद्रीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजेगी और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भेज देगी राज्य सरकार के पास। जितेंद्र यादव जी प्रश्न करें। जितेंद्र यादव
एडवोकेट सुनील जी आप प्रश्न करें, आपका अंतिम प्रश्न प्रश्न करिए। सर ये ना ये कि 8 ब्रांच है, ये कहाँ पर है? यूट्यूब में सुनील भाई यूट्यूब में बता चुका है, सर बता चुके हैं, बता देते हैं सुनील भाई। हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू। रुचि जी आप भी प्रश्न कर सकती हैं, एडवोकेट रुचि प्रश्न कर सकती हैं आप। ठीक है, धन्यवाद सर आपके सारगर्भित उद्गार के लिए, आपका हृदय